धक्का मुक्की करते हुए महिला ने सुरक्षा कर्मी की धुनाई ही कर दी। ये वीडियो ओंकारेश्वर मंदिर का है, जहां दर्शन करने के लिए महिला मंदिर आई थी। गर्भगृह में लाइन में लगी महिला से जब सुरक्षा कर्मी दर्शन करके बाहर जाने के लिए कह रहा था, तो अचानक महिला को गुस्सा आ गया और उसने आओ देखा ना ताओ सुरक्षा कर्मी का कॉलर पकड़ लिया। तभी मंदिर के पुजारी ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। फिर से देखिए कैसे महिला का गुस्सा सुरक्षा कर्मी पर निकला। वहीं इस मामले में मंदिर के पुजारी ने बताया कि उनके सामने ही ये घटना हुई है। महिला के साथ सुरक्षा कर्मी ने कोई गलत व्यवहार नहीं किया था, तब भी अचानक महिला ने सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट कर दी। कल मैं प्रत्यक्षदर्शी था, मंदिर का हमारा एक कर्मचारी महेंद्र सिंह वहाँ ड्यूटी कर रहा था। कल भीड़ थी, अत्यंत बहुत भीड़ थी, रविवार का दिन था। कल एक तरफ से बंदे चालू रखा था, भीड़ भाड़ होने के कारण डीआईपी वगैरह या जो भी सुविधाएं देते हैं सारी बंद कर दी थी मंदिर। कुछ महाराष्ट्र के लोग थे जो अपने आप में कोई पुलिस वाले कोई तहसीलदार बता रहे थे। कर्मचारी ने खाली इतना कहा था कि भाई चलो भाई भैया निकालते जाओ। इतने में वो महिला आई और महेंद्र सिंह के ऊपर एक एक बार नहीं, अंदर से गला पकड़ के लाई, बाहर भी मारा अंदर भी मारा। यानी आए दिन मंदिर कर्मचारियों के साथ में, मैं यहाँ रहता हूँ, पंडिताई का काम करता हूँ, ये नहीं कि मैं मंदिर के पक्ष में बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा सच्च और ईमानदारी से बात करता हूँ। आए दिन लोग मंदिर के कर्मचारियों के ऊपर हाथापाई गाली गलौज और मारपीट पर उतारू होते हैं। इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी ने पुलिस में महिला और उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मंदिर में मारपीट करने वाली महिला महाराष्ट्र की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खंडवा से जय नागड़ा की रिपोर्ट, एमपी तक।